हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं हूँ भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। अपूर्वा का मुंह, हाथ और पैर दोनों ही बांध दिए गए थे। उसकी वो ब्लैक जीन्स पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी और उसकी शर्ट भी। आधे घंटे यूं ही बीत गया था कि आदेश अपने जंगली कुत्ते रॉकी को लेकर गुस्से में अपूर्वा के कमरे में घुस आया, जहां उसे बंद करके रखा गया था। अपूर्वा शांति से बैठी हुई थी। दरवाज़ा खुलने और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से वो तुरंत होश में आई। जब उसने अपने सामने एक काली गर्दन वाले लंबे कुत्ते को देखा तो उसके जैसे सांसें ही अटकने लगी। आदेश मुस्कुराते हुए अपने कुत्ते के साथ उसके करीब बढ़ रहा था और कुत्ता हर पल भौंक रहा था। लड़कियों को कुत्तों से डर लगता था और अपूर्वा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसकी तो जैसे मौत ही सामने आ गई थी कुत्तों को देखकर। उसे बिल्लियां पसंद थी, पर इस भयानक माहौल में भी उसने डर को सिर्फ अपने चेहरे पर आने नहीं दिया, अपने शरीर पर और हावी नहीं होने दिया। वो शांति से इस तरह बैठी रही और उस कुत्ते की आंखों में आंखें डालकर उसे देखती रही। रॉकी, ये तुम्हारा आज का शिकार है। तुम इसे खा सकते हो, काट सकते हो, डरा सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। इतना कहते हुए आदेश ने अपने हाथ में पकड़े हुए कुत्ते के पट्टे को छोड़ दिया और रॉकी भागकर अपूर्वा के पास जाने लगा। अपूर्वा के हाथ पर अब और कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, वो कांप रही थी। अपूर्वा इस तरह आंखें फाड़े बस रॉकी को देख ही रही थी। अगले ही पल रॉकी ने अपूर्वा के ऊपर छलांग लगा दी। अपूर्वा ने अपनी आँखें कसकर बंद कर ली और चेहरा अपने घुटनों में छुपाना चाहा, लेकिन उस कुत्ते के लंबे नाखून ने उसके चेहरे को छोड़कर उसके शरीर पर कई जगह वार किए। वो दर्द से चिल्लाई और उस कुत्ते ने उसे दो या तीन जगह काटा। उसके धार वाले नाखून से उसके कपड़े भी कई जगह से फट गए थे और उसके दूध जैसे गोरे शरीर पर गहरे निशान बन गए थे। आदेश ने तुरंत रॉकी की रस्सी को पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। अपूर्वा के सर से खून बह रहा था और आंखों में बेनतहाशा आंसू थे, लेकिन अब उसके होठों से कोई शोर नहीं हो रहा था। उसे जंगली कुत्ते ने अपने नाखून और दांतों से उसके काफ़ी चोट पहुंचाई थी। उसकी शर्ट की स्लीव भी फट चुकी थी। उसकी शर्ट के आगे बहुत सारे हिस्से फटे हुए थे, जिसमें से अपूर्वा की शरीर के कुछ हिस्से साफ नज़र आ रहे थे। वो गहरी सांस ले रही थी और हाँफ भी रही थी। वो उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और वो दर्द में ऐसे ही रही। आदेश उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हें पता चल गया होगा तुम्हारी कैंची जैसी जुबान तुम पर कितनी भारी पड़ सकती है। तुम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जिसकी जितनी औकात होती है वो उतना ही करता है। आखिर हो तो तुम भी एक गुंडे ही, और गुंडे यही काम करते हैं। इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है। उसकी ये बातें सुनने के बाद आदेश के ईगो पर और भी ज़्यादा गहरी चोट पहुँची। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस लड़की को इस हद तक चोट पहुँचाने के बाद भी ये उससे ऐसी बातें करती रहेगी। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और नकुल भागता हुआ अंदर आया, लेकिन वो अपूर्वा को इस हालात में देखकर एकदम से शॉक था। नकुल की नज़र अपूर्वा के कंधे के अलावा उसके शरीर पर गई चोटों पर और साथ ही उसकी फटी हुई शर्ट पर गई। भाई, आपको पता भी है आपने क्या किया है? रॉकी से अपूर्वा को कटवा दिया। सीरियसली, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? बड़े भैया को पता चला तो वो आपको बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी कैची जैसी ज़ुबान मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। भाई, आपने गलत किया। कितनी चोट आई है इस बेचारी को, और आपने रॉकी से कितनी बुरी तरीके से इसे कटवाया है। उसने इसे कितनी जगह नाखून मारे हैं। इस वक्त इसे कितना दर्द हो रहा होगा। मैं तुरंत डॉक्टर को बुलाता हूँ। आदेश गुस्से में वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन उसकी नज़र अपूर्वा के शरीर पर थी। वो काफ़ी ज़्यादा गोरी थी और फटे हुए कपड़े उसके शरीर के कई हिस्सों को दिखा रहे थे, और आदेश ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि नकुल इस टाइम अपूर्वा के पास ज़रा भी रुके। उसने नकुल की बाहों को पकड़ा और उसे दरवाजे से बाहर करते हुए कहा, डॉक्टर इसे आकर खुद देख लेगा, लेकिन तुम इसके पास अब नहीं आओगे, और मेरा ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। तुम अब बिल्कुल भी इस कमरे पर नज़र नहीं रखोगे। इसके साथ क्या करना है क्या नहीं मैं खुद देख लूँगा। लेकिन भाई, वो मासूम लड़की, उसने क्या बिगाड़ा है आपका? ये सुनने के बाद आदेश नकुल के
बाहों को पकड़कर उसे अपने साथ खींचकर ले जाने लगता है। उसने क्या बिगाड़ा है क्या नहीं, इससे तुझे कोई मतलब नहीं, तुम शांति से मेरे साथ यहाँ से चलो। लगभग रात के 1 बजे डॉक्टर सावंत कपूर अभी भी अपनी कार के बाहर खड़े थे। उन्हें दूर से 2 लंबी गाड़ियाँ आई हुई दिखाई दे रही थी और गेट खुल रहा था, मतलब साफ था कि उद्देश्य ही था। वो बीच रोड पर आकर खड़े हो गए और अपना हाथ दिखाकर गाड़ी रुकवाने की कोशिश करने लगे, लेकिन गाड़ियाँ उनके बगल से होते हुए गेट के अंदर चली गई। ये बेइज्जती डॉक्टर सावंत कपूर से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कैसे उद्देश्य मल्होत्रा से मिलने, उसका कोई रास्ता उसे मिल नहीं रहा था। लेकिन तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ा और उनकी गाड़ी में बैठे हुए उन्हें वार्निंग देते हुए कहा, सर आपसे नहीं मिल सकते, आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा आप भी नहीं लगा सकते। बेहतर है आप यहाँ से चले जाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। ये सुनने के बाद सावंत कपूर ने कहा, व्हाट द हेल आर यू, होते कौन हो तुम मुझे धमकी देने वाले? आई एम डॉक्टर सावंत कपूर, समझे कि नहीं? ये धमकियाँ मुझे मत दो। हम आपको धमकी नहीं दे रहे सर, आप यहाँ से चले जाइए, वरना फिर कभी यहाँ आने लायक नहीं बचेंगे और आपको गायब करवा दिया जाएगा, जैसे कई सारे लोगों को किया गया है, और कोई भी आपको फिर कभी दूर से देख भी नहीं पाएगा। बेहतर है आप समझ रहे हैं कि आपके साथ क्या हो सकता है, रात के 1:30 बजे के बाद यहाँ रुकना अलाउड नहीं है। इतना बोलकर वो दोनों ही गार्ड वहाँ से दूर हट गए। सावंत कपूर को मजबूरन वहाँ से जाना पड़ा। उधर दूसरी तरफ उद्देश्य डिनर करने के बाद अपने हाथों में प्लेट लिए सीधा कमरे में पहुँचा। उसने देखा कि माया इस वक्त कमरे में उसे कहीं नहीं नज़र आ रही थी। उसने वॉशरूम की तरफ देखा तो माया उसे वहाँ भी नहीं दिखी। उसने कमरे में हर तरफ माया को देखा लेकिन उसे माया कहीं नहीं मिली। फिर अचानक उसकी नज़र सोफे के पीछे गई, वहाँ उसे माया मिली जो कि सोई हुई थी। माया के कपड़े और हालात एकदम ख़राब थे और उसके कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। उद्देश्य ने उसके सामने अपनी जेब में से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल कर रख दिए और उसके चेहरे पर ग्लास का भरा हुआ पानी गिरा दिया। माया चौंक कर उठकर बैठ गई, अचानक से उसके चेहरे पर इतना सारा पानी गिरा था। ये डॉक्यूमेंट देख लो। ये सुनकर माया ने उन कागजों को उठाया और देखा तो उसकी आंखों में फिर से आंसू आ गए। दुनिया के सामने उसे मरा हुआ साबित कर दिया गया था, लेकिन क्या, कब, कैसे, क्योंकि वो तो अभी जिंदा थी। तुम दुनिया के सामने मर चुकी हो माया, जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा मर चुका है। उद्देश्य के चेहरे पर बहुत ही गुस्सा था और साथ ही साथ एक मुस्कान थी। उसने माया के बिखरे हुए बालों को एक बार देखा और उस पर हाथ फेरा और उसे महसूस हो गया कि माया के चेहरा और उसका शरीर कितना ज़्यादा जल रहा है। कुछ वक्त बाद वो दवाई की कुछ गोलियाँ लेकर आया और माया के सामने रखते हुए कहा, तुम्हें देना तो नहीं चाहता लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, मैं कभी तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहता। ये दवाई खाओ और ये तुम्हारा फीवर जो है वो ठीक हो जाएगा, और जो खाना मिल रहा है तुम वो खा लो। माया से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था लेकिन वो कर ही क्या सकती थी। आगे इस कहानी में क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।